अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दर्शाइए कि gx बराबर है, फंक्शन दिया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x द्वारा परिभाषित समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। सभी पूर्णांकों के लिए यह असंतत होगा, यह दिखाना है। यहाँ ये जो दिया है बड़े वाले ब्रैकेट में x, इसको क्या पढ़ेंगे, तो उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है। एक्चुअल में यह महत्तम पूर्णांक फलन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जो x के बराबर या x से कम है। चलिए अब इसके लिए हम लोग चेक करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और इसी पर हम लोग चेक करते हैं, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये कोई लिखा है मैंने, फिर से मैं लिख देता हूँ, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और इसी पर हम लोग इसको चेक करते हैं। तो पहले लेते हैं LH लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a है ये, a माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, यही ना होगा। तो फंक्शन में gx दिया यार, मैं यहाँ f लिख लिया, बार बार लिखने की आदत हो गई है, एक्चुअल में gx के फॉर्म में दिया, तो यहाँ gx लिखना चाहिए था, मैंने एफ एक्स लिख दिया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इस तरह से। तो इसमें लिमिट अलग अलग लग जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, a माइनस x, और फिर माइनस लिमिट x टेंस टू a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है। तो इसका अगर इसके लिमिट की बात करो a पर, तो इसका तो वही हो जाएगा, a ही हो जाएगा माइनस, अच्छा इसके बारे में बात करो, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करो, तो इसका हो जाएगा a माइनस वन, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, 12th क्लास में भी बता रखा है, जब मैंने फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बता रखा है वहां के लिए, ठीक है, और आपको 11th में भी बता रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। आप फिर से यहाँ देख सकते हो, चूंकि a से जस्ट छोटा है, a टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट से है, तो a से थोड़ा सा छोटा होगा, तो a से थोड़ा सा छोटा कोई पूर्णांक निकले, अगर a से थोड़ा सा छोटा कोई यहाँ a माइनस h कोई पूर्णांक है, तो इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक इसका वैल्यू होता है, तो इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक हमारा a माइनस वन हो जाएगा, है ना। पूर्णांक एक घटेंगे तभी ना एक पहले वाला पूर्णांक आएगा, इसीलिए यहाँ पे a माइनस वन हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, a माइनस a प्लस वन, a कट गया आपका, वन आ गया। चलिए अब आर एच लिमिट लेते हैं, आर एच लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, यहाँ जी एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, इस तरह से रहेगा। दोनों का अलग अलग लिमिट लगा दो, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो इसका वैल्यू तो x ही होगा, ये सिर्फ x है ना, ये सिर्फ x है, ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, तो इसका a पुट करेंगे तो a आ जाएगा, और यहाँ पे a पुट करेंगे तो a पॉजिटिव, यहाँ पे बात हो रही है ना, a पॉजिटिव, a से ठीक बड़ा पूर्णांक कोई है, a से ठीक थोड़ा सा, सॉरी यहाँ a से थोड़ा सा एक h जो जोड़ा जा रहा है, एक छोटा से छोटा अंक जोड़ा जा रहा है, यहाँ a, यहाँ क्या कह रहा है, x टेंस टू a फ्रॉम राइट से, यानी कि x जो है a के निकटतम है राइट से, तो राइट से निकटतम है यानी कि a से थोड़ा सा बड़ा है, और a से जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक, तो a से अगर कोई थोड़ा बड़ा पूर्णांक, a से कोई थोड़ा बड़ी संख्या है, तो उसके पहले वाला पूर्णांक a ही हो जाएगा, तो यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका a आ जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को, तो a में से a गया आपका क्या गया, जीरो आ गया, तो यहाँ वैल्यू वन आया, यहाँ वैल्यू आपका जीरो आया। तो ये दोनों कंडीशन बड़े ही ध्यान से समझना होगा, देखो हम लोग अगर x के a के नजदीक जाते हैं, यानी कि a से लेफ्ट से अगर जाते हैं, तो a से लेफ्ट से यानी कि a से ठीक थोड़ा सा छोटा कोई पूर्णांक, कोई संख्या होगी a से जो थोड़ी सी छोटी होगी, तो इसके पहले वाले पूर्णांक की बात करेंगे तो वो a माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, समझो। यहाँ पे अगर मैं संख्या रेखा ले लूँ, a कोई पूर्णांक है, और यहाँ लिखता हूँ x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से अगर बात करूंगा तो इधर का कोई संख्या होगा इसके नियरेस्ट में,
तो अगर हम लोग इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक, तो इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक आपका ए माइनस वन ना होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू ए माइनस वन लिया। और जब एक्स टेंस टू ए प्लस लिया है मैंने, यानी कि राइट से, इधर से यानी कि ए के जस्ट निकट है राइट से, तो इसके पहले वाला पूर्णांक तो ए ही ना हो जाएगा जी, इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक आपका ए हो जाएगा, इसलिए मैंने वैल्यू यहाँ पे ए रखा है। समझ रहे ना? तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े हैं, वहां पे हमने ये सारी चीजें समझी हुई है। तो यहाँ एल एच लिमिट आर एच लिमिट के बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफोर एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ, सॉरी जी एक्स है ना जी, मैं बार बार आदत हो गया ना, हर एक क्वेश्चन में फंक्शन एफ एक्स चल रहा है वही एफ एक्स लिखा जा रहा है, ठीक है, यहाँ जी एक्स लिखना था, इक्वल नहीं है, अतः यहाँ कह सकते हैं अतः एफ एक्स, देखा ना फिर आ गया जी एक्स, एक्स एक्स बराबर ए पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, ए क्या है आपका पूर्णांक था, इसलिए 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 जी एक्स पूर्णांकों के समुच्चय पर, पूर्णांकों के समुच्चय पर, समुच्चय पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, यही हमें दिखाना था। समझ गया? चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन